और सीधा आपको पश्चिम बंगाल लिए चलते हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की चुनावी सभा में। कोटि कोटि नमन करता हूं, ये धरती भारत माता के उन महान सपूतों की धरती है। धर्म, अध्यात्म, विज्ञान, समाज सुधार और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में बंगाल को एक नई ऊंचाइयां प्रदान करते हुए बंगाल को एक नई पहचान दी थी। रामकृष्ण परमहंस की आध्यात्मिक परंपरा हो, स्वामी विवेकानंद का वैश्विक मंच पर दार्शनिक अंदाज हो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का भारत की स्वाधीनता के लिए उद्घोष हो, या फिर भारत को, स्वतंत्र भारत को राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत देने वाले उन महापुरुषों की धरती जिन्होंने भारत का राष्ट्रगान जनगण मन गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के माध्यम से भारत को दिया, और जिस गीत ने देश की स्वाधीनता का मंत्र बनकर के वंदे मातरम के माध्यम से भारत के जन जन में, भारत के युवाओं में एक नए ओज और तेज का संचार किया था, ऐसे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की इस पावन धरती को महान समाज सुधारक राजा राम मोहन राय की इस धरती को एक लंबी श्रृंखला है महापुरुषों की जिन्होंने बंगाल की धरती से उद्घोष किया था और पूरे भारत के अंदर वह आध्यात्मिक सामाजिक परिवर्तन की लहर दौड़ पड़ी थी। इस महान धरती को कोटि कोटि नमन करते हुए मंचस्थ भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों समेत आप सभी जनता जनार्दन का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, 10 वर्ष पूर्व तृणमूल कांग्रेस बंगाल की धरती में कुछ नारे लेकर के आई थी। इन्होंने नारा दिया था मां माटी और मानुष का। ममता दीदी ने कुछ नारे दिए थे बंगाल को मां मानुष और माटी का। आज क्या हुआ इनका, हम यही पूछने के लिए आए हैं ममता दीदी से। बंगाल की बहन और बेटियां, बंगाल की माताएं अपने आप को सहाय और सुरक्षित और सुरक्षित क्यों महसूस? तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक चुनावी रैली को संबोधित कर रहे हैं पश्चिम बंगाल में, और बंगाल के महापुरुषों का उन्होंने जिक्र किया, इतिहास पुरुषों का उन्होंने जिक्र किया।